सूर्य की चाल बदल रही है, कब बदलेगी और किन राशियों के लिए होगा शुभ, किन राशियों के लिए होगा अशुभ, उसके क्या उपाय होंगे? 17 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो 15 जनवरी तक रहेंगे। इस मध्य में सूर्य जो है सो किन किन राशियों के लिए शुभप्रद होंगे एवं अशुभप्रद होंगे, खास करके ये 12 प्रकार के भाव होते हैं, तनु, धन, सहज, सुहृद, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। अर्थात अब मेघ राशि वालों के लिए धनु में सूर्य होने के कारण अर्थात उस जातक को धर्म की हानि होगी, अर्थात कहीं अगर तीर्थ यात्राएं की टिकट कटा है तो वो नहीं जा पाएंगे, अर्थात उनके द्वारा धर्मादि कर्म, दानादि कर्म नहीं हो पाएगा। अब वृक्ष राशि वालों के लिए क्या कहते हैं कर्म भाव में मृत्यु भाव में जो सूर्य रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, तो इसके में इससे क्या होगा तो जातक को शारीरिक पीड़ाएं प्रदान करेगी। वृक्ष राशि वालों के लिए सूर्य अशुभ कारक है, अर्थात उन्हें शारीरिक पीड़ाएं होगी, पित्त की अधिकताएं होगी, हृदय संबंधी प्रॉब्लम होगा, खास करके जो है सो उदर संबंधी भी प्रॉब्लम होने का संभावना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जया भाव, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, हाँ जया भाव अर्थात पत्नी भाव में सूर्य रहेंगे, जो जातक को भ्रमण कारक योग बनता है, अर्थात मिथुन राशि वाले के लिए सूर्य जो है सो भ्रमण करवाएगा, वो पूरब दिशाएं की यात्राएं क्या कहते हैं अधिक होगी, अर्थात वो भ्रमणशील होंगे। मिथुन कर्क राशि वालों के लिए छठम में सूर्य रहेंगे, खष्ट भाव में सूर्य रहेंगे, जो उनको विजय की प्राप्ति करवाएंगे, सभी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी, आत्मबल मजबूत रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जो है सो क्या कहते हैं उसमें जो सूर्य रहेंगे धनु राशि में पंचम भाव में शुद्ध भाव में, तो वो जो है स्थिति उनका दयनीय रहेगा अर्थात अनुकूल नहीं रहेगा, अशुभ कारक है। सुहृद सुख भाव में क्या कहते हैं सिंह कन्या राशि वालों के लिए सुख भाव में जो है सूर्य रहेंगे, उससे उनका क्या होगा मान का हानि होगा, अतः वो अपमानित होंगे, अपजस उनको प्राप्त करेंगे। और तुला राशि वालों के लिए क्या कहते हैं सूर्य सो धनु में रहेंगे तो उन्हें धन की प्राप्ति होगी, अर्थात धनागम होगा। तुला वृश्चिक राशि वालों के लिए धन भाव में सूर्य रहेंगे तो भय रहेगा, भय की प्राप्ति होगी, अर्थात हर समय व्याकुल रहेंगे। और धनु राशि वालों के लिए सूर्य लग्नस्थ होने के कारण स्थान की हानि होगी, अर्थात तो वो जहाँ रहेंगे वहाँ हानि ही प्राप्ति होगी। और मकर राशि वालों के लिए क्या कहते हैं जो सूर्य रहेंगे मकर राशि वालों के लिए वयस्थ सूर्य रहेंगे तो उसमें क्या होगा तो कष्ट प्रदान किया जाए, कष्ट होगा। कुंभ वालों के लिए जो है आय भाव में रहेंगे तो उन्हें धन की प्राप्ति होगी। यह विधिवत जो है सो ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं और इसके अनुसार शुभाशुभ फलों को देते हैं।